何が楽しい、何が面白い、命を何だと思っているんだ。हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेमन स्लेयर के गॉड कैरेक्टर योरुची तात्सुगुनी के बारे में। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जो वॉच करना। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योरुची एक शांत स्वभाव और सामान्य व्यक्ति थे जो हर समय सीरियस और सभी से अलग रहते थे। शायद ही कभी उन्होंने अपने इमोशंस को दिखाया था। उनके जेंटल नेचर और कभी ना बदलने वाले फेशियल एक्सप्रेशन से ज्यादातर ये नहीं बता सकते थे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। सिर्फ एक ही पर्सन थी जो उनकी फीलिंग्स को पढ़ सकती थी, वो थी उनकी वाइफ यूटा। वो काफी ज्यादा हम्बल थी। उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज के बावजूद वो खुद को केवल एक अन्य व्यक्ति के रूप में देखते थे। एज एग्जांपल, एक समय पर जब उन्होंने सुयाको के रिक्वेस्ट पर सन ब्रीथिंग परफॉर्म किया, उसके बाद वो शर्मिंदा महसूस करने लगे। योरुची को उनके भाई ने हमेशा फ्यूचर में विश्वास रखने के लिए बोला था और उन्हें विश्वास था कि ब्रीथिंग स्टाइल का यूज स्टार्ट करने के बाद डेमन स्लेयर की इमेंस पावर के बावजूद एक ऐसी जनरेशन उभर कर आएगी जो उनको भी सरपास कर देगी। उनकी वाइफ यूटा और उनके अनबोर्न बेबी को खोने के बाद वो काफी समय तक शोक में रहे। इसके बाद उन्होंने एक ही बात बोली, मेरा सपना अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में एक पीसफुल लाइफ जीने का था जहां हम सब साथ साथ सोएंगे। मैं अपनी वाइफ और बच्चे के प्यारे चेहरों को देखने के लिए काफी करीब रहूंगा और इतना करीब पहुंच जाऊंगा कि मैं उनका हाथ पकड़ सकूं। इतना काफी होता, लेकिन वो सभी सच नहीं हुआ। इस खूबसूरत दुनिया में डेमन्स मौजूद हैं। जब उनके दोस्त सुमियोशी ने बताया कि उनकी लाइफ वर्थलेस नहीं है और उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स के माध्यम से उनकी सन ब्रीथिंग फॉर्म को प्रिजर्व करने का वादा किया, इस बात से योरुची वार्मली स्माइल करते हैं और उनके दोस्त सुमियोशी को धन्यवाद बोलते हैं। उनके बचपन में योरुची अपने बड़े भाई से काफी प्यार करते थे। मिचिकासु का सपना देश का सबसे स्ट्रॉन्ग समुराई बनना है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग समुराई बनेंगे। वो अपने बचपन में भी बेहद रिजर्व्ड और शांत थे, इसलिए उनके परिवार को ये लगा कि वो बहरे हैं क्योंकि काफी सालों तक उन्होंने कभी बात नहीं की थी। योरुची ने अपने बीमार माँ की देखभाल की जब कोई भी नहीं जानता था कि वो बीमार है। तब भी जब उनके पिता उनसे प्यार नहीं करते थे, वो अपने बड़े ट्विन ब्रदर की रिस्पेक्ट करते थे। और उनके माँ के डेथ के बाद घर छोड़ने से लेकर उनकी अपनी डेथ तक वो मिचिकासु की दी बांसुरी को अपने पास रखते थे। जब वो उनसे 60 सालों बाद मिलते हैं, वो मिचिकासु की न्यू डेमन लाइफ को देखकर शर्मिंदा होते हैं। हालांकि उन्होंने डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बिट्रेटर के रूप में उसे मारने के लिए मिचिकासु को रोकने की कोशिश की। योरुची हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन स्लेयर हैं जो डेमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा हुए हैं। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट के साथ साथ हाईएस्ट कैलिबर एंड इनेट स्वॉर्ड्समैनशिप भी उनमें थी। एक डेमन स्लेयर के रूप में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद योरुची ने कई डेमन्स को हराया था, जहां उनके बड़े भाई कहते हैं कि उनके बच्चे के रूप में कंपैरिजन वो एडल्ट होके भी नहीं कर सकते। वो डेमन स्लेयर में एक लौते थे जो मुजेन के बसुजी पर अकेले भारी पड़े थे। योरुची ने अपने एक ही अटैक से लगभग मुजेन को मार ही डाला था। यहाँ तक कि जब मुजेन ने बचने के लिए खुद को 1800 फ्लैश पीसेस में बांटा, तब भी योरुची से सिर्फ 300 पीसेस ही बच पाए। उस दिन के बाद से मुजेन को इतना ज्यादा डर लगने लगा था कि उसने योरुची को एक असली डीमन मान लिया था। और यहाँ तक उनके इयररिंग्स ने मुजेन को शॉक में डाल दिया। और योरुची के साथ उस फाइट की मेमोरीज हर डीमन के बॉडी में है जो उससे मिले भी नहीं थे। आज तक के सभी डीमन स्लेयर्स में योरुची के पास सबसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ पावर थी। उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप ने डीमन किंग मुजेन को भी आसानी से ओवरवेल्म्ड कर दिया था एंड वो अपने ट्विन ब्रदर कोकुशिबो को मार ही देते जो करंट एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोर्समैन है, अगर वो ओल्ड एज की वजह से नहीं मरते। योरुची की जोर फर्स्ट निचरीन जोर थी, ब्राइटर रेड कलर की। वो अपनी एबिलिटी का यूज करते थे जिससे उनकी ब्लैक जोर ब्राइट रेड में बदल जाती थी। जोर के एक अटैक से डीमन्स की रीजनरेटिंग पावर काफी ज्यादा कम हो जाती थी एंड योरुची ने फर्स्ट ओरिजिनल ब्रीथिंग स्टाइल क्रिएट किया था जो थी सन ब्रीथिंग। उसी से आगे चल के अलग अलग ब्रीथिंग स्टाइल बनी जैसे कि फायर, वाटर, थंडर, साउंड एंड उन्होंने सन ब्रीथिंग के 12 फॉर्म बनाए थे। नंबर 1 डांस, नंबर 2 क्लियर ब्लू स्काई, नंबर 3 रैंकिंग सन, नंबर 4 बर्निंग बोन समर सन, नंबर 5 सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 6 सोलर हीट हेज, नंबर 7 बेनिफिशियंट रेडियंस, नंबर 8 सन फ्लावर थ्रस्ट, नंबर 9 ड्रैगन सन हालो हेड डांस जो कि तंजीरो ने रिसेंटली यूज किया है, नंबर 10 फायर व्हील, नंबर 11 फेक रेनबो, नंबर 12 फ्लेम
फ्लेम डांस। इसके अलावा 13th फॉर्म भी है जो 12 फॉर्म्स को एक साथ करके बनता है। उसे स्पेशली योरिची ने मुजेन के 7 हार्ट एंड 5 ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया था। योरिची को ये सिग्नेचर हानाफोडा इयररिंग उनकी मॉम ने उन्हें इसलिए दिए थे क्योंकि उनके परिवार को लगता था कि वो बहरे हैं। हालांकि वो नॉर्मली क्वाइट एंड काम नेचर के पर्सन थे, बट सेंगोकू एरा के हसीरा से मिलने के बाद वो उनसे बातें करना शुरू करते हैं। उनके भाई के डीमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प से निकाल दिया जाता है, पर इसके बाद भी कुछ हसीरा उनसे बात करना जारी रखते हैं। एंड वॉल्यूम 23 एक्स्ट्रा में बताया गया है कि योरिची और उनकी वाइफ यूटा ने मॉडर्न टाइम में रिकार्नेट लिया है और वो उनके बच्चे के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। सो हां गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही और डीमन स्लेयर एंड अदर एनिमेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आरा।